तो फाइनली दोस्तों कॉम्पैक्ट एसयूवी कार की डिमांड लगातार बढ़ने की वजह से हर ऑटोमेकर कंपनी इस सेगमेंट में उतर चुकी है। और हमने आपको इवेंट में भी बताया था कि निसान अपनी एक न्यू कॉम्पैक्ट एसयूवी निसान मैग्नाइट को लॉन्च करेगी, जो कि इंडिया में आने वाले टाइम में सबसे सस्ती एसयूवी कार होने वाली है। तो फाइनली निसान ने अपनी मैग्नाइट को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है और इस कार की शुरुआती एक्सशोरूम कीमत 5.5 लाख रुपये से शुरू होकर 9,55,000 रुपये एक्सशोरूम रखी गई है। अभी इस नई कीमत के साथ ये जो निसान मैग्नाइट एसयूवी कार है वो इंडिया की इस टाइम सबसे सस्ती क्रॉसओवर एसयूवी कार है। लेकिन क्या ये कार वाकई में ही सबसे सस्ती कार है और आपको बाकी कार से अच्छे फीचर का पैकेज प्रोवाइड करती है या नहीं, इसके बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। और आप वीडियो को देखने के बाद इस कार का कौन सा वेरियंट सबसे बेस्ट है ये भी डिसाइड कर पाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले निसान मैग्नाइट के मेन हाईलाइट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निसान मैग्नाइट के इंजन ऑप्शन की। तो इस कार को कंपनी ने मेनली दो इंजन ऑप्शंस के साथ लॉन्च किया है। दोनों ही इंजन 1.0 लीटर के पेट्रोल इंजन है, लेकिन एक इंजन टर्बोचार्ज है और दूसरा इंजन नॉर्मल इंजन है। कार में 1.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि सिर्फ 72 हॉर्स पावर तक की ही मैक्सिमम पावर जनरेट करता है। कार में दूसरा इंजन ऑप्शन 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, जो कि 100 हॉर्स पावर की मैक्सिमम पावर और 160 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ लॉन्च किया गया है। तो टर्बोचार्ज वाला इंजन दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा बेटर है और ज़्यादा अच्छी पावर आउटपुट भी देता है। लेकिन दोस्तों अगर आप निसान मैग्नाइट में एक ज़्यादा पावरफुल इंजन लेना चाहते हैं तो आपको कार में उतना ज़्यादा पावरफुल इंजन नहीं मिलेगा, आपको 1000 cc के इंजन से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों 1.0 लीटर का इंजन भी एक नॉर्मल फैमिली के नॉर्मल यूज़ के हिसाब से काफ़ी हद तक अच्छा है। चलिए बात कर लेते हैं अब कार के बाकी हाईलाइट्स की। तो अब कार के एक्सटीरियर की बात करें तो कार का एक्सटीरियर भी सेगमेंट की बाकी कार से कम्पीट करता है। कार को कंपनी ने एक न्यू मॉडर्न डिज़ाइन लैंग्वेज पर बनाया है। कार के फ्रंट में आपको बड़े से एल शेप के DRS मिल जाते हैं और एक बड़ी सी फ्रंट ग्रिल मिलती है, जिसमें साइड में आपको क्रोम फ्लैक्स भी मिल जाते हैं। बाकी कार में स्लीक LED हेडलैम्प विद DRS को फीचर किया गया है। बाकी कार में आपको अपर वेरियंट्स में काफ़ी अच्छे बॉडी एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर गाड़ी की डिज़ाइन एंड लुक भी काफ़ी अच्छे हैं। बाकी कार के वेरियंट्स की बात करें तो निसान मैग्नाइट को इंडिया में कई सारे वेरियंट्स और ऑप्शंस में लॉन्च किया गया है। कुल मिलाकर कार में आपको 10 ऑप्शंस मिलते हैं और गाड़ी के 4 वेरियंट इंडिया में मेनली लॉन्च किए गए हैं, जो कि हैं XE, XL, XV हाई और XV प्रीमियम। तो सबसे पहले कार के बेस वेरिएंट निसान मैग्नाइट XE की बात करें तो निसान मैग्नाइट के XE वेरिएंट के मेन हाईलाइट हैं हैलोजन हेडलैम्प, रूफ रेल, 16 इंच के स्टील व्हील, एयर कंडीशनर, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 4 पावर विंडोज एट्सेट्रा गाड़ी के मेन हाईलाइट हैं। यहाँ पर आपको निसान मैग्नाइट का जो बेस वेरिएंट है 5.5 लाख रुपये में मिल जाता है। उसमें आपको टच स्क्रीन टर्न सिस्टम नहीं मिलती है, हैलोजन हेडलैम्प मिलते हैं और गाड़ी में प्रोजेक्टर हेडलैम्प मेरे हिसाब से होने चाहिए थे, तो आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस वेरिएंट को लेने का मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट में गाड़ी में टच स्क्रीन और प्रोजेक्टर हेडलैम्प तो होने ही चाहिए थे। बाकी इसमें साउंड सिस्टम वगैरह भी आपको कुछ नहीं मिलता है। तो निसान मैग्नाइट का अगला वेरियंट निसान मैग्नाइट XL है, जिसकी एक्सशोरूम कीमत 6,25,000 रुपये से शुरू होती है। इस वेरिएंट के फीचर्स की मेन हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें आपको मिल जाते हैं 6 स्पीकर के ऑडियो सिस्टम, जो कि कार में इंटीग्रेटेड होंगे। साथ ही में कार में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद हीटर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल विंग मिरर्स, साथ ही में कार में 16 इंच के व्हील मिल जाते हैं पुराने वेरिएंट की तरह, लेकिन इसमें आपको डुअल टोन के कवर भी मिल जाते हैं। तो इस वाले वेरिएंट में भी आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प और टच स्क्रीन वगैरह नहीं मिलते हैं। बाकी लुक वाइज और इंटीरियर में XL वेरिएंट में थोड़े ज़्यादा अपग्रेड किए गए हैं। बाकी कार का अगला वेरिएंट है XV। इस वेरिएंट की शुरुआती एक्सशोरूम कीमत 6,75,000 रुपये से शुरू होकर 8,65,000 रुपये तक जाती है और ये वाला वेरिएंट थोड़ा और ज़्यादा बेटर है। तो निसान मैग्नाइट के XV वेरिएंट में आपको मिल जाते हैं आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स विद टर्न इंडिकेटर्स, 15 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील, सीट्स में बैक पॉकेट, LED डे टाइम रनिंग लैंप और फॉग लैंप इसमें मिल जाते हैं। और साथ ही में कार के इंटीरियर में 8 इंचेस की टच स्क्रीन टर्न सिस्टम मिलती है, जिसमें सेगमेंट फर्स्ट एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो को शामिल किया गया है, जो कि वायरलेस होंगे। और साथ ही में कार के टच स्क्रीन सिस्टम में आपको वॉइस रिकॉग्निशन और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट सिस्टम वाली डिस्प्ले मिल जाती है।
जो कि सेगमेंट की बाकी कार से बेटर होगी। साथ ही में कार के इंटीरियर में आपको 7 इंचेस की कलर TFT डिस्प्ले मिलती है जो कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में लगी होगी, और साथ ही में इस वाले वेरिएंट में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये वेरिएंट भी खरीदने वाला है, लेकिन इसमें आपको अभी भी प्रोजेक्टर हेडलैम्प का फीचर नहीं मिलता है। तो अगर आपको गाड़ी में प्रोजेक्टर हेडलैम्प लेने हैं तो आपको इसका टॉप वेरिएंट खरीदना पड़ेगा जो कि निसान मैग्नाइट XV प्रीमियम है। इस वाले वेरिएंट की शुरुआती एक्सरूम कीमत 8,65,000 रुपये से शुरू होकर 9,55,000 रुपये तक जाती है, और फीचर वाइज और एक्सटीरियर वाइज निसान मैग्नाइट का ये वेरिएंट सबसे अच्छा है। तो निसान मैग्नाइट के XV वेरिएंट के मेन हाईलाइट हैं LED बाई प्रोजेक्टर हेडलैम्प, क्रूज कंट्रोल, इंटीरियर में 360 डिग्री राउंड व्यू कैमरा जो कि सेगमेंट की कुछ गिनी चुनी कार में ही मिलता है, और कार में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम और इंटीरियर में ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है। बाकी वेरिएंट में आपको डुअल टोन का इंटीरियर मिलता है, लेकिन इसमें स्पोर्टी बनाने के लिए इसमें आपको ब्लैक कलर का इंटीरियर मिलेगा। बाकी इस वाले वेरिएंट में आपको लेदर सीट मिलेंगी और फ्रंट में सेंटर में आर्म रेस्ट भी मिलने वाला है। बाकी इस कार में कुछ और भी फीचर दिए गए हैं जैसे कि क्रूज कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, एयर प्योरीफायर, JBL के स्पीकर, LED स्कप प्लेट, एम्बिएंट मूड लाइटिंग और पेडल लैंप जैसे फीचर आपको इस वाले वेरिएंट में मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों निसान मैग्नाइट का XV प्रीमियम वेरिएंट ही सबसे अच्छा है। बाकी डिसाइड आपको करना है कि कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए और कौन सा वेरिएंट नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों आपको निसान मैग्नाइट कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक करें, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपके पास डेली न्यू और वाइल्ड वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। थैंक यू वेरी मच।